और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर में एक साइकिल रैली में हिस्सा लिया। अर्जुन मेघवाल युवा समिति की तरफ से आयोजित साइकिल रैली में मेघवाल साइकिल पर सवार हुए और करीब 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। जी मीडिया से खास बातचीत में अर्जुन मेघवाल ने बताया कि किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए वो अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने जी मीडिया के जरिए लोगों से अपील की कि पर्यावरण को साफ सुथरा बनाया जाए और इसके लिए वो आगे आए। जी मीडिया संवाददाता लक्ष्मण राघव ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल एक बार फिर साइकिल के नाते संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाइए। सब पर्यावरण दिवस पर क्या कहेंगे इस तरह की पहल? देखिए, कार्बन एमिशन विश्व की सबसे बड़ी समस्या होकर के सामने आ रही है और पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो घटनाएं घट रही है संसार में, उस समय ये विषय बीकानेर से उठना, नागरिकों द्वारा साइकिल से यात्रा करना, पर्यावरण का संदेश देना, पेड़ लगाना, विश्व पर्यावरण दिवस पर बीकानेर के नागरिकों की ये अनूठी पहल है। अर्जुन जी, आपने कुछ शुरुआत और भी की थी, जैसे एक रात चांद के साथ, इस तरह की चीजें आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां देश के सामने हैं। बात करें यूएसए की, तो उन्होंने ट्रीटी से बाहर हो गए हैं वो, तो इन तरह की चुनौतियों को कैसे मोदी सरकार निपटेगी? देखिए, माननीय मोदी जी ने वेदों का उल्लेख करते हुए कहा था कि प्रकृति से कुछ आप ले सकते हैं, ये बात सही है, प्रकृति हमारी माँ है, उससे आप ले सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति का शोषण नहीं कर सकते। हमारे वेदों में भी यही उल्लेख है, लेकिन प्रकृति का अगर शोषण ऐसे ही चलता रहा तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम क्या दे रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन जो जिएगी 50 साल बाद, 100 साल बाद, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? ये संदेश हम इस माध्यम से देना चाहते हैं। जी मीडिया के दर्शकों को, पूरे देश के दर्शकों को क्या संदेश आप देंगे, क्या कहेंगे आज पर्यावरण दिवस पर? जी मीडिया के सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यावरण दिवस पे कोई छोटा छोटा एक संकल्प लें, जैसे हम कोई भी कचरा नहीं करेंगे, जैसे कम से कम प्लास्टिक की थैली का हम प्रयोग करेंगे, कोई अगर ऐसा लगा कि कोई कचरा है कहीं तो हम उठाने का प्रयास करेंगे। जब नागरिक सेंसिबल बनेंगे तो पर्यावरण दिवस को मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिनका संदेश यही है कि हम कैसे भी पर्यावरण के लिए जो कुछ बन पाए करें। गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, बीकानेर।